मोहतरम अहबाब अस्सलाम वालेकुम। एस क्रिएशन की एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ हाजिर। और जैसा कि सबके मालूम कि मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना अपनी बरकतें और फजीलतें महकाता हुआ गुजरता चला जा रहा है। अहबाब, मुहर्रमुल हराम की एक ख़ास नस्बत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवास से सैयदा अम्मा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लखते जिगर और मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक गोरा मुबारक था जिसको ज़ुलजना, ज़ियारत और दीगर नामों से याद किया जाता था। आज की इस वीडियो में इसी मुबारक गोरे की हकीकत, पहचान और शान, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, इस चैनल की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फटाफट एस क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर मज़ीद आने वाली वीडियोस का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, करबला का एक ऐसा वाक्या और हकीकत जिसको आपने आज से पहले कभी ना सुना होगा। करबला के मैदान में एक गोरे की वफादारी का एक ऐसा सीन जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोरे का असल नाम ज़ुलजना था। ज़ुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि जिस भी गोरे पर एक दफ़ा बैठ जाया करते थे इसकी उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वह गोरा बुरा नहीं हुआ करता था। इसलिए गोरा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस गोरे की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से ही इसका नाम ज़ुलजना रखा गया था। जब भी ये गोरा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता तो ऐसा लगता जैसे ये गोरा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन से ही इस गोरे के साथ बहुत लगाव था, क्योंकि एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गोरे के पास मौजूद थे। कुछ साहबे कराम अलैहिम रिदवान भी इनके हमरा मौजूद थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे को आते देखा तो देख कर खुश हो गए और पूछा, बेटा क्या तुम इस गोरे पर सवारी करना चाहते हो? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया तो गोरे ने सुनकर आप अलैहिस्सलाम के पास कदमों में बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवार हो सकें। सवार होकर आप अलैहिस्सलाम ने गोरे पर सवारी की और ये सारा मंजर देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही गोरा है जो यौम आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने वो गोरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। फिर वाकई ज़ुलजना ने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी नाज करने लगी। अहबाब, क्या आप ये बात जानते हैं कि करबला के मैदान में जब यजीदियों की जानिब से जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे तो ज़ुलजना को पानी पीने के बहुत से मौके मिले मगर इसने पानी एक दफ़ा भी नहीं पिया। करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना से ज़मीन पर नीचे गिरे तो आपका ये गोरा आपके सामने इस तरह खड़ा हो गया कि दुश्मनों की तरफ से आने वाला हर हर तीर इस गोरे के जिस्म में जज्ब करने लग गया। हर हर तीर गोरा अपने जिस्म में जज्ब करने लग गया। रवायात में आता है कि ज़ुलजना के जिस्म में इतने तीर लगे कि जिस्म का कोई हिस्सा भी सलामत ना रहा, लेकिन इसके बावजूद 60 से ज़ायद दुश्मनों को इस गोरे ने मौत की घाट उतार कर रख दिया। इसके बाद जब ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो ये ज़ुलजना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिलहिलाने लगा। ज़ुलजना ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर के पास आकर रुका और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून मुबारक से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को इस तरह से ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये मंजर देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। इस वक्त उमर साद की नज़र इस गोरे पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा कि इस गोरे को मेरे पास लाया जाए। लोग जैसे ही गोरे को पकड़ने के लिए दौड़े तो ज़ुलजना ने इस ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा कि वहाँ से उन लोगों को भागने का मौका तक न मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर ज़ुलजना हजूम से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर के पास आकर इस तरह से बिलबिला कर रोने लगा कि जैसे कोई इंसान किसी जवान मौत पर रोता है। अल्लाह हू अकबर। अहबाब,
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत के साथ इस जुलजना ने अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत का इस कदर सबूत पेश किया कि आज तक तारीख इसको सुनहरी हरूफ से याद रखती है और हमेशा तासुबह क़यामत याद रखती रहेगी। मुहर्रमुल हराम की अकीदत खास ख्याल रखें और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए अपने आमाल का मुहासबा करें। अपना, अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।